हमार तेजस्विनी पुत्री सावित्री खातिर योग्य वर नहीं के मिलत। ई बात के हमके पीड़ा बा, किंतु ओकरा से कहीं अधिक ई बात के बा कि जे अयोग्य बा ऊ भी सावित्री से विवाह करे से इनकार कर देले। किंतु आज इस सब रूप गुण सामर्थ्य के फल काम मिल रहल बा सावित्री के। आज केहू भी ओकरा से विवाह करे खातिर तैयार नहीं है। सत्य बा, उस सावित्री बिया तेज पुंज बिया, ओकरा झेलल बालक लोग के खेल नहीं खे। ओकरा खातिर सक्षम व्यक्तित्व के होखल आवश्यक बा। महाराज के पीड़ा से केवल सावित्री ही उनके मुक्ति दिला सकेली। हमार मन कहेला कि पुत्री सावित्री स्वयं अपने लिए योग्य वर के चयन करी हन। देवर्षि, पुत्री सावित्री खातिर ब्रह्मांड के कौनो भी कष्ट सहन कैल सरल बा, कहे कि हमार पुत्री बाड़ी सूर्य के, किंतु हम ओकरा के दुखी नहीं के देखल चाहत। अश्वपति के पुत्री सावित्री के दायित्व कष्टदायक नहीं खे लगे के चाही। देवर्षि, सूर्य के आराधना के फल स्वरूप सुख बा, समृद्धि बा, तेज और विद्या बा, दुख और कष्ट नहीं खे। हमरा लगाता पुत्री सावित्री खातिर हम के ही कुछ करे के होखी। हाँ, हम ही कुछ करब। का ढूंढ रहा बड़ा चित्रगुप्त? शिकार? महाराज, हम के बानी शिकार निश्चित करे वाला? ही तो स्वयं ही ग्रंथि निश्चित करेला। सत्य, चित्रगुप्त मृत्यु लोक के जीवात्मा हमनी के दयाहीन शिकारी ही समझेलन। वो मानेलन क्यों हमनी के मृगया बा, किंतु उनकरा समझे के चाही कि हमनी जौन कुछ भी करीला ऊ आपन इच्छा से ना करीला, उनकर ही कर्म फल पर आधारित बा, उनकर ही कियल कराइल बा। जी महाराज, हम तो केवल कर्म के हिसाब रखेनी। कर्म फल जब पक जाला तो उनकरा साख से बिछड़े के ही पड़ी। और हमने के आदेश मिलेला और पहुंच जाइला द्वार पर। चित्रगुप्त, यम कोनो क्रूरता के प्रतीक नहीं खन। यम तो नियम के सेवक बा, वो नियम के अमल होखे उहे देखेलन। महाराज, प्रकृति के नियम के अनुपालन समयबद्ध होखेला ही, एकरा केहू ना तोड़ सकेला। और केहू ओकरा के तोड़ के कुछ प्राप्त कर लेवेला, ओकर आनंद अधिक समय तक ना रहेला। यशोपति की स्थिति देख रहल बाड़ा ना चित्रगुप्त? महाराज, अश्वपति त अपन मनोकामना पूर्ण कर लेले बा, एगो तेजस्वी पुत्री के पिता बन के। किंतु उनके भाग्य में संतान रहल ही ना। वो महादेवी से आराधना कई के वरदान प्राप्त कैले रहलन। देवी ते करुणा में बाड़ी, माँ बाड़ी, वो अपन शिशु के आशीर्वाद दे देहली। तथास्तु। किंतु ओकरा से उनकर भाग्य ना बदली,
सत्यवचन महाराज, सत्यवचन। भाग में जे लिखल होखेला ओकरा ब्रह्मा विष्णु महेश भी ना बदल सकेले, तो मां कैसे बदली? मां के तेज अंश प्राप्त कैके अवतार धारण करे वाली सावित्री आज पिता के आनंद के स्थान पर चिंता के कारण बन गई बाड़ी। कर्म फल केहू के ना छोड़ेला चित्रगुप्त। पूर्णतया ओकरा से पिंड छुड़ाइल असंभव बा। देवराज, आपके मुख के कांति बता रहल बा कि आज आप कुछ विशेष प्रसन्न बानी। देवराज के मुख पे ता सदैव ही कांति रहेला। देवराज कबो अप्रसन्न हो ही ना सकेले। फिर भी देवराज, आप ही बताई बात का बा, कई सेवक के अवलोकन क्षतिपूर्ण बा? ना, आप सही बानी देव। हम ना कहत रहनी हा, कुछ कारण अवश्य बा। कारण तो बस यह बाकी स्वर्गलोक पृथ्वीलोक से अधिक प्रभावशाली बा, और एकरा में भी स्वर्ग के देवाधिदेव देवराज इंद्र के प्रतिभा के स्वीकार करे में ही सबके भलाई बा। और इस सत्य केहू के समझ में अब धीरे धीरे आ रहल बा। बस यही बात के प्रसन्नता बा हमरा। फिर तो समस्त देवलोक खातिर कौरव के बात बा देवेंद्र। की बाजे इस सत्य के अब जानेला? अश्वपति और मालवी ने सूर्य की आराधना करके संतान प्राप्त कैले और उकर नाम रखले सावित्री। सावित्री जे विद्या कला और अस्त्र शस्त्र के विद्या में पारंगत सिद्ध भइल बाड़ी। ओकर कीर्ति तो देव लोग तक छा गइल बा, किंतु अब ओकर स्थिति के विषय में स्वर्ग लोक का जानेला। का आप जानता नहीं कि आज ओकरा से विवाह करे खातिर केहू भी तैयार नहीं खे? अरे तका सावित्री आजीवन अविवाहित रही? महाराज अश्वपति के पिता होके के बाद भी अपन पुत्री के कन्या दान के भी पुण्य प्राप्त न होकी? यह चिंता तो लोग के भी खाए जा रहल बा। प्रश्न यह तबा केवल ज्ञान से कुछ ना होखेला। देव कृपा ही केवलम, और उ लोग हमार कृपा के कबो कामना ही ना कैले। यूं तो बहुत ज्ञानी आत्मा बाड़े, फिर भी भूल कर गईले और अब पश्चाताप कर रहल बाड़े। अच्छा ही बा, मृत्युलोक में जीवन के दैवी कृपा के महिमा समझ में तो आवे के ही चाहिए। हाँ, मृत्युलोक में भी और हमार सूर्य देव के भी। महाराज, प्रणाम राजगुरु। प्रणाम राजन। ये राजमहल में अंधेरा का है बा? बस ऐसे ही संध्या काल बा राजन। इस समय दीप के जलल शुभ होखेला, अंधकार में ग्लानी के भाव बढ़ेला और प्रकाश प्रसन्नता के द्योतक है। राजगुरु ऐसन का है
दीप त जलेला, जलल त पीड़ा के अनुभव बा, फिर भी उकरा शुभ काहे कहल गइल बा। राजन, दीप स्वयं भले ही जलत होखे, किंतु औरों के पथ के प्रकाशित करेला, अंधकार हरेला, ओकरी बलिदान ही ओकर प्रकृति के सुखकर बनावेला। अद्भुत दर्शन बा हमनी के संस्कार धारा के, अन्य के अंधकार के हरे खातिर स्वयं के प्रज्वलित करे के संदेश, और कहूं ना सत्य। दीप के स्वयं अंधकार से कौनो भय नहीं खे, ओकरा अंधकार का अनुभव खलेला ना, फिर भी वो स्वयं जल के अंधकार के दूर करेला। भगवान के सन्मुख दिया ऐसे ना जलावल जाला कि भगवान अंधेरा में देख नहीं सकत। वो ये खातिर कि हमनी के अंधकार के अनुभव होखे, और उकरा दूर करे के सामर्थ रखे वाला दीपक के महिमा ज्ञात होखे। जी, अंधकार ईश्वर के ना, हमनी के आंख के दूर होखे के चाही। आंख में अंधकार होखे तो दृश्य स्पष्ट ना होखेला, और स्पष्टताओं के कारण रूप अंधकार के एक नाम अशुभ बा। राजन, आंख में आंसू होखे तब भी दृश्य स्पष्ट ना होखेला। राजगुरु, समझदारी पे भी जब बादल छा जाएला तब भी दृश्य स्पष्ट दिखाई ना देवेला। ये दोनों परिस्थिति में आंसू पोछ के बादल छट जाए तब तक राह देखल ही उचित है। राजन, राजगुरु, समझदारी पे भी जब बादल छा जाएला तब भी दृश्य स्पष्ट दिखाई ना देवेला। ये दोनों परिस्थिति में आंसू पोछ के बादल छट जाए तब तक राह देखल ही उचित है। राजन, ऐसन कब होई? प्रयत्न से या तीव्र निर्णय शक्ति से। जौन परिस्थिति से आप विचलित हो गईल बानी राजन, ओकरा में से मार्ग प्राप्त करे के प्रयत्न आप ही करी, अवश्य मार्ग मिली। राजन, मनुष्य प्रयत्न ईश्वर कृपा। किंतु ऐसन परिस्थिति निर्माण ही काहे होत बा? विधि, विधि के तक खेल बाई सारा संसार। ई खेल में हमनी के तक केवल आपन पात्र यथोचित प्रस्तुत करे के बा, किंतु पात्र के नया परिमाण देवे के सामर्थ्य हमनी के निष्ठापूर्वक अभिगम एवं परमात्मा के कृपा में बा। आप ई सब चिंता छोड़ दीही राजन, दीपक अगर चली तो मार्ग अवश्य मिली। दीपक चली तो मार्ग अवश्य मिली। ओ